गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। बेटा आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं लेसन फोर साइंस का, ठीक है? ठीक कर चुके हो आप? देखिए ये चैप्टर है आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में चीजों को सॉर्ट आउट करना भी छांटना, ठीक है? यानी क्लासिफाई करना एक तरीके से। तो क्लासिफाई कैसे करते चीजों को? बहुत ढेर सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, तो आप उसको क्लासिफाई कैसे करोगे? मान लो कि मैंने कुछ लकड़ी की बनी चीजें आपके सामने रख दी, कुछ लोहे की बनी चीजें रख दी, तो सिंपल सी बात है, आप क्लासिफाई करोगे तो लकड़ी की चीजें एक साथ रख दोगे, लोहे की चीजें एक साथ रख दोगे, या फिर बहुत ढेर सारा सामान आपके सामने रख दिया हमने, कुछ मसाले रख दिए, जूते रख दिए, बर्तन रख दिए, तो अब क्या करोगे? सारे मसाले एक साइड करोगे, किचन में लेके जाओगे, सारे बर्तन भी एक साइड करोगे, वो भी जहां पे बर्तन रखा जाता है वहां पे ले जाके रखोगे। यदि मैंने जूते भी रख रखे हैं तो वो तुम जूते जो है जहां पे जूते की अलमारी होगी वहां पे लेके जाओगे, है कि नहीं? ऐसा तो करोगे नहीं कि जूता किचन में लेके चले जाओगे और मसाला जूते के अलमारी में लेके चले जाओगे। तो क्लासिफिकेशन से यही मतलब होता है बेटा, ठीक है? कि हर चीज को बेटा एक जैसी चीज को एक ग्रुप में हम करें, ठीक है ना? क्लासिफिकेशन मीन्स एक जैसी चीज को हम एक ग्रुप में करें और जो भी प्रॉपर प्लेस हो उसको वहां पे रखें। खैर रखना तो अलग चीज है, मतलब क्लासिफिकेशन करना मतलब कि एक तरह की चीज को एक पास हम रखें। अच्छा अब देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन का आपका स्कूल जो है। कैसे? आपके स्कूल में क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है ना? किस बेसिस पर है? एज और नॉलेज की सिमिलरिटी के बेसिस पर हमने किसी बच्चे को क्लास वन में रखा है, किसी को क्लास टू में रखा है, कि नहीं? कुछ सिमिलरिटी है। कहने का मतलब क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है? सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी समानता, डिसिमिलरिटी असमानता। तो एक जैसी सिमिलर चीजों को सिंगल ग्रुप में रखते हैं हम। जैसे नर्सरी का यदि बच्चा है तो नर्सरी के बच्चे का एज ग्रुप, नर्सरी के बच्चे का नॉलेज एक जैसा होगा। क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, हर क्लास में ऐसे ही होता है बेटा कि उस क्लास में जितने बच्चे रहेंगे उनका एज ग्रुप लगभग एक जैसा होगा, उनका नॉलेज लगभग एक जैसा होगा। तो ये क्या बेसिस हुआ क्लास वाइज करने का? क्लास वाइज क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस हो गया एज ग्रुप एंड नॉलेज। तो इसी तरह से कोई न कोई सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर हम लोग किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये भी बात है कि जैसे कि हमने कहा कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो भी मेटीरियल हमारे चारों तरफ है उन मेटीरियल्स की कुछ क्वालिटीज होगी, ठीक है? उन मटेरियल से कुछ क्वालिटीज होंगी और उन्हीं क्वालिटीज के बेसिस पर उन मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन होगा। अब जैसे भाई गोल्ड है उसमें भी शाइनिंग है, सिल्वर है उसमें भी शाइनिंग है, दोनों हार्ड भी है, दोनों गुड कंडक्टर भी है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम उसको एक क्लास में रख सकते हैं ना, एक ग्रुप में रख सकते हैं ना। तो यानी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काउंट करती है क्लासिफिकेशन में, इसीलिए जरा सा हम लोग मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी, जानते हैं आप लोग फिर भी सुन लीजिए। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यदि एक तरफ से उस पर हम लाइट डालें और लाइट दूसरी तरफ निकल जाए, उसको क्रॉस करके अच्छे से पूरी की पूरी लाइट निकल जाए, तो वो चीज ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे ग्लास है, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए कोई चीज ऐसी होती है कि उस पर लाइट डालेंगे तो पूरी की पूरी लाइट नहीं पास करती है बल्कि पार्शियल लाइट पास करती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लोग ट्रांसलूसेंस कहते हैं। अब जैसे कि है आपका ऐसा ग्लास हो जिसपे कोहरा टाइप का जमा हुआ हो, या धूल वाली डस्ट लेडन हवा हो, तो ये सब ट्रांसलूसेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट तो हमने बताया जैसे वाटर है, क्लियर ग्लास है, ये सब ट्रांसपेरेंट होता है। और ओपेक का मतलब ये है कि वो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जिस पर आप लाइट डालोगे तो लाइट जरा सा भी दूसरी तरफ क्रॉस करके नहीं जाएगी, तो ऐसी चीजें ओपेक होती हैं, ठीक?
अब बेटा लस्टर क्या, जैसे भी मैंने एग्जांपल बताया था, लस्टर मीन्स शाइनिंग, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमने कहा गोल्ड है, सिल्वर है, शाइनिंग होती है। कुछ चीजें ऐसी कि तुम्हें लगता है कि शाइनिंग नहीं, जैसे कॉपर है, आयरन है, लेकिन नहीं, यदि उसके ऊपरी सरफेस को तुम यदि रब कर दो, रगड़ दो, तो वो चीजें शाइन करने लगती हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम मॉइस्ट एयर में यदि एक्सपोज कर देंगे, खुला रख देंगे, तो रिएक्शन करके उनके ऊपर ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण कि उसकी शाइनिंग नहीं दिखाई देती, शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो सैंड पेपर वगैरह से या किसी भी चीज से भी उस ऊपर की लेयर को साफ कर दिया जाता है, तो फिर उसमें शाइनिंग हमें दिखने लगती है, ठीक है। अच्छा, अब हार्डनेस सॉफ्टनेस की देखिए बात करिए, तो जैसे कि आयरन हम आपको दें हाथ में, आयरन का टुकड़ा, वो आपको हार्ड लगेगा। यदि आपको कॉटन दे दें तो वो सॉफ्ट है, रबर सॉफ्ट है। तो ये हुआ हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात। अब अपीयरेंस की बात देखिए हो रही है, तो देखिए अपीयरेंस तो लगभग हर चीज का अलग होता है। जैसे कि आप आयरन ले लीजिए, आप सिल्वर ले लीजिए, आप गोल्ड ले लीजिए, आप पेपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, क्लॉथ ले लीजिए, तो हर चीज आपको अलग अपीयरेंस होता है ना, हर चीज का आपको अलग तरह की दिखाई देती है ना। तो कैसी दिखाई देती है, यही मतलब होता है अपीयरेंस का। अब टेक्सचर से क्या मतलब है मैं बताती हूँ। आप पाउडर यूज करते हो, उसको टू फिंगर्स के बीच में रखो, एकदम महीन सॉफ्ट समझ में आएगा आपको। और आप अपनी फिंगर किसी ट्री के, पेड़ के बार्क पे चलाओ, ठीक है, या कोई सैंड पेपर है, सैंड पेपर का वो सरफेस जिसको यूज करते हैं किसी चीज को रब करने, देखो वो भी आपको कैसा लगेगा, रफ लगेगा, खुरदरा लगेगा, है ना। तो कोई टेक्सचर क्या है कि किसी भी चीज का सरफेस स्मूथ है कि रफ है, ठीक है, ये टेक्सचर हो गया। अब सॉलिबिलिटी की बात देखिए, देख लीजिए, अब जैसे कि आप पानी ले लीजिए, पानी में शुगर या सॉल्ट डिजोल्व करिए, डिजोल्व हो जाएगा, यानी वो सॉल्युबल है। पानी में चीनी और नमक जो है वो सॉल्युबल है। सैंड डालोगे वो सॉल्युबल नहीं होगा, यानी सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है। इसी तरह से केवल लिक्विड्स की बात करें तो जैसे पानी में आप अल्कोहल डाल दो, लेमन जूस डाल दो, ये सब बिल्कुल एक ऐसे मिल जाएगा, जो मिक्सचर बनेगा एकदम कहना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। यानी जब दो लिक्विड्स आपस में एकदम मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, तो उन लिक्विड्स को मिसेबल लिक्विड्स कहा जाता है। लेकिन यदि तुम पानी में मस्टर्ड ऑयल डाल दो, पानी में केरोसिन डाल दो, मरकरी डाल दो, नेल पॉलिश डाल दो, तो ये पानी में मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे जो जो चीज़ें हैं जो पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही हैं, उनको आप कहेंगे कि ये वाटर में मिसेबल नहीं है, ये इमिसेबल है, ठीक ना। अब फ्लोटेशन का क्या मतलब है, देखो देखो एक जनरल तुमको ये एक्सपीरियंस होगा बेटा, कि पानी है, पानी पे तुम कागज की नाव चलाओगे तो वो ऊपर तैरेगी, लेकिन पानी में भी लोहे की नेल डाल दो तो पानी में डूब जाएगी। यानी जो चीज हल्की है कंपैरेटिवली, पानी से हल्की है तो वो तैरेगी, और पानी से भारी है वो डूब जाएगी। तो इसके लिए टर्म यूज होता है डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। आप ऐसे समझिए कि आप कॉटन ले लीजिए, ठीक है, और जितना कॉटन लीजिए, जितना वॉल्यूम है कॉटन का, उतने ही वॉल्यूम का आयरन नेल ले लीजिए, क्या महसूस करेंगे। सेम वॉल्यूम का कॉटन है वो आपको हल्का समझ में आएगा, और सेम वॉल्यूम का आयरन नेल है वो आपको भारी समझ में आएगा, आएगा ना। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉटन की डेंसिटी कम है और आयरन नेल की डेंसिटी ज्यादा है। तो जिन चीजों की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो फ्लोट करेंगे, तैरेंगे पानी पर, और जिन चीजों की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो पानी में डूब जाएंगे, वाटर में डूब जाएंगे। अब है कंडक्टिविटी, इसका भी मतलब समझ लीजिए। आपके घरों में लोहे का चिमटा होगा, ठीक है, लोहे के चिमटे को आप लीजिए और गैस की फ्लेम जला दीजिए, और चिमटे, ये चिमटा है मान लीजिए, इसको ऐसे पकड़े, और ये हिस्सा जो चिमटे का ये
फ्लेम पे लगा दीजिए, ये फ्लेम है मान लीजिए, ठीक है, गैस की फ्लेम जल रही है, आप इसको पकड़े हो और ये फ्लेम यहाँ पे आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना बेटा ये जो हीट है वो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके आपके हाथ तक वो हीट पहुंच जाएगी। अब आपके हाथ को गर्म लगना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो यहाँ पे आ रही थी वो हीट उस लोहे के चिमटे में कंडक्शन हुआ, हीट का कंडक्शन हुआ और कंडक्ट होके हीट यहाँ से यहाँ पर आ गई, ठीक है, यानी लोहा क्या हुआ, हीट का गुड कंडक्टर हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई ऐसी चीज दीजिए जिसमें लोहे का हैंडल लगा हो, लकड़ी का हैंडल लगा हो, लकड़ी के हैंडल को ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई भी कलछुल या कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक तरफ लकड़ी का हैंडल लगा हो आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए, और इधर आप देखिए, इधर इधर लकड़ी का हैंडल है लेकिन इधर पे कोई मेटल है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ऐसे कुछ, ठीक है, अब यहाँ फ्लेम आ रही है, ये कितना भी गर्म हो जाएगा लेकिन वो लकड़ी जो आपने पकड़ी हुई है उस तक गर्मी नहीं आएगी, आपके हाथ को परेशानी नहीं होगी, यानी हीट जो है वो मेटल में तो कंडक्ट हुआ लेकिन लकड़ी में, वुड में हीट का कंडक्शन नहीं हुआ, यानी वुड जो है वो बैड कंडक्टर हो गया और मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर हो गए। तो कंडक्टिविटी का बेटा यही मतलब हुआ, जैसे प्लास्टिक जो है वो भी बैड कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है फिजिकल स्टेट की, तो मटेरियल्स को जो है फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग थ्री ग्रुप्स में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफरेंस होता है क्या, देखिए सॉलिड जो है तो इसका शेप, वॉल्यूम बिल्कुल डेफिनेट होता है, जैसे कोई भी सॉलिड चीज आप आज की डेट में कहीं रखे हो तो कल या परसों की डेट में भी उसके शेप और वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो होता है डेफिनेट, शेप डेफिनेट नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे उसी का शेप लिक्विड ले लेता है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। यदि 1 लीटर मिल्क है आप लोटे में रखोगे तो भी 1 ही लीटर रहेगा, भगोने में रखोगे तो भी 1 ही लीटर रहेगा, बाल्टी में डालोगे तो भी 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन गैस जो है बेटा इसका ना तो शेप डेफिनेट है ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है, जितनी जगह इसको मिलती है उतनी जगह को ये ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, और जो जिस चीज में भरोगे उसी का शेप, गैस भी तुम किसी चीज में फिल कर रहे हो तो जो उस चीज का, उस ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है गैस का भी वही शेप हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये लेसन आपका ओवर हुआ और होमवर्क उसमें से दे दिया जा रहा है आप, ठीक है बेटा, थैंक यू।